मैं बकुल राजपूत, मैं चाहता हूं कि आप INN 24 जरूर देखिए। नमस्कार, न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बुलेटिन में सबसे पहले मुख्य सुर्खियां। बिहार में नक्सलियों के मंसूबों पर फिरा पानी, कोंच थाना की पुलिस ने किए 4000 कारतूस बरामद। झारखंड में कोडरमा कांग्रेस जिलाध्यक्ष को अपराधियों ने बम से उड़ाया, पुलिस जुटी जांच में। बिहार के गया में अपहरणकर्ता के चंगुल से बचे मासूम सूरज से मिलने पहुंचे RJD विधायक, बच्चे की बहादुरी और साहस के लिए राष्ट्रपति से अवार्ड की किए मांग। कोडरमा कांग्रेस अध्यक्ष शंकर यादव की बम ब्लास्ट में हुई मृत्यु को लेकर पूरे झारखंड में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का फूंका पुतला। और झारखंड के गुमला में आंधी का कहर, पेड़ गिरने से 5 राहगीर महिलाएं हुई घायल, एक की हालत गंभीर। गुमला जिले में तेज आंधी व वर्षा आने से फसल के नुकसान के साथ साथ सड़क हादसा भी हुआ। सड़क किनारे अचानक पेड़ गिर जाने से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिले के घाघरा प्रखंड में तेज वर्षा व तूफान आने से टेम्पो में बैठकर वर्षा से भाग रहे थे कि अचानक पेड़ गिर जाने से 5 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गयी, जिसका इलाज सदर अस्पताल गुमला में चल रहा है। घायल महिलाओं में से एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। छोटी महिमा है, उस दरबार में गभरिया बाजार टाड़ के पास टेम्पो में खाली बैठल थी और बैठले में कि तूफान आए हैं। तूफान आके और तूफान अपने से कि बिना ड्राइवर का गाड़ी बढ़ने लगा, वही दरबार में कि गज गिर के टेम्पो को मार दिया और मारने पर बहुत कूतर के भागने लगे तो मेरा माँ गिर गई उस पास। गिरने के बाद उनको चोट लग गया, तब पैर भी टूट गया, पैर में जख्म भी हो गया और जख्म और 3-4 आदमी वहाँ पर जख्म हुए थे और काफ़ी लोग थे वहाँ पर और सब अपने अपने ट्रीटमेंट कराने, कोई कहाँ कहाँ ले गया, हम अपना गुमला लेकर आए। अपना 3 टेम्पो था, लगभग 20-25 आदमी चोट और कुछ ज़्यादा भी जख्म हुआ है, तो सब कुछ अपना अपना ले गया। तूफान बहुत ज़्यादा ढकलते ले गया, तब ढकल के गिरा दिया और तब उसके बाद फिर क्या गिर के अब उठ के थोड़ा सा बाँ होते गए, तब फिर ऐसे नीचे उतर के आए। कहाँ जाए, कहाँ गए थे आप? कहाँ गए थे? डांड बटे जा रही थी। क्या काम? घूम देखे जाए। हजारीबाग के OSS स्कूल में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बता दें कि मुख्य अतिथि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पदाधिकारी जगन टोपनो, विशिष्ट अतिथि धर्मेंद्र कैथल, सचिव मथीनाउल हसन, अध्यक्ष शब्बीर अहमद, तनवीर अहमद व प्राचार्य एहसानुल हक ने संयुक्त रूप से मशाल जलाकर प्रतियोगिता की शुरुआत की। पहली बार वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता इस आयोजन के मौके पर एहसानुल हक ने कहा कि विद्यार्थियों की क्षमता खेलकूद से बढ़ती है, साथ ही मन एकाग्र होता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी जरूर ध्यान देना चाहिए। यही वजह है कि खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के आयोजन की शुरुआत उनके स्कूल में की गई है और आने वाले समय में लगातार की जाएगी। हमने इस प्रोग्राम का नाम एंथुसिया 18 रखा है विद स्लोगन गुड स्पीड ओलम्पियंस। हम उस स्कूल में ये मानते हैं कि हम एकेडमिक्स के साथ साथ स्पोर्ट्स एंड गेम्स को भी बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि ये स्पोर्ट्स और गेम्स हमें सिर्फ टीम वर्क ही नहीं सिखाता है, हमें विपरीत परिस्थितियों में जीना लड़ना सिखाता है। ये स्पोर्ट्स एंड गेम्स हमें अच्छा हेल्थ बनाना, हमें फिजिकली एंड मेंटली फिट रखना सिखाता है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे OSS स्कूल के बच्चे फिजिकल एंड मेंटल गेम्स में भी आगे रहे। अभी के समय में छात्रों को कितना जरूरी है स्पोर्ट्स एंड गेम्स? आज के दौर में स्पोर्ट्स एंड गेम्स छात्रों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट हमें स्पोर्ट्स एंड गेम्स को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेना चाहिए। अगर हम स्पोर्ट्स एंड गेम्स में ध्यान रखते हैं तो कई सारी बुराइयों से बचते हैं और साथ ही साथ हम कई सारी अच्छाइयों को अपनाते हैं।
हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हजारीबाग पुलिस लाइन से धूमधाम के साथ शिव बारात निकाली गई। बता दें कि आगे आगे घोड़े पर सवार पुलिस के जवान, पीछे गाजे बाजे के साथ पुलिस बल और शहर के हर वर्ग के लोग भक्ति में लीन होकर जय भोले के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। साथ ही मनमोहक झांकी भी निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए प्राचीन बुढ़वा महादेव मंदिर पहुंचे और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के साथ ही शहर की उन्नति के लिए प्रार्थना किए। खोरी महुआ अनुमंडल क्षेत्र में अवस्थित बाबा झारखंड धाम मंदिर के नाम से ही झारखंड प्रदेश का नाम को रखकर गिरिडीह जिले का नाम पूरे देश में चर्चित हुआ है। यहाँ झारखंड प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों से पहुंचने वाले शिव भक्तों से लाखों की भीड़ जमा होती है। वही बुधवार को कोडरमा सांसद तथा जम्मू विधायक द्वारा बाबा भोलेनाथ का पूजा अर्चना कर क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश की खुशहाली की कामना की गई। साथ ही विधिवत फीता काट कर मेला का उद्घाटन किया गया, जहाँ मंगलवार से ही बाबा भोलेनाथ के दर्शन व शेख करने श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हो रही थी। वही भक्तों में शिवरात्रि के मौके पर बाबा भोलेनाथ और मां पार्वती के विवाह बंधन के साक्षी बनने की उत्सुकता और मेले का आनंद लेने के लिए हजारों की भीड़ जुटी। मंदिर परिसर में पुलिस बल के जवान नजर रखे हुए थे, जबकि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रशांत रंजन बरवार, जमुआ धनवार अंचलाधिकारी सहित जिले के तमाम बड़े पदाधिकारियों की मेला में आवाजाही जारी रही। आइए बढ़ते हैं क्राइम की खबरों की ओर। गुमला पालकोट थाना क्षेत्र के जोगी मठ गांव निवासी 65 वर्षीय चैतू खड़िया को अज्ञात अपराधियों ने पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि चैतू खड़िया साप्ताहिक बाजार गया था। देर शाम लौटने के क्रम में पंसा धोड़ा आम बगीचा के समीप अज्ञात अपराधियों ने उस पर हमला कर दिया और पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी और अपराधी फरार हो गए। वही घटना की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए गुमला भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना किस कारण से हुई इस मामले में पुलिस मीडिया से कुछ नहीं कह रही है। बाजार कल बाजार जाई रहे, सोमवार बाजार किन बेच के घूरत रहे डहर में जो का नहीं कबे जानवे तो ले रहे का कर रहे बाजार किरका उतरे हर धोई भी रहूँ जुट बेचक जाए रहे किन बेच के घर आ उतरे हर पाँच सौ गढ़ा जगह माहिर रहूँ। कोडरमा चंदवारा थाना क्षेत्र के ढाबा थाम में ऑटो में विस्फोट कर स्कॉर्पियो को उड़ाया, जिसमें कोडरमा कांग्रेस जिलाध्यक्ष शंकर यादव के अलावा निजी बॉडीगार्ड कृष्णा यादव व चालक धर्मेंद्र यादव थे। सवार शंकर यादव की मौके पर मौत हो गई व अन्य दोनों के इलाज के दौरान मौत हो गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि ऑटो व स्कॉर्पियो की परखच्चे उड़ गए और धमाके की आवाज से अगल बगल गाँव थर्रा उठा। यह घटना लगभग 4 बजे शाम घटी, जब शंकर यादव थाम स्थित अपने पत्थर खदान से लौट रहे थे। आशंका जताई जा रही है कि ऑटो में विस्फोटक रख घात लगाए अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया होगा। हालांकि उक्त स्थल के ही आसपास 3 माह पूर्व 24 अक्टूबर को शंकर यादव को अपराधियों ने गोली मारी थी, जिससे रांची में चली लंबी इलाज के बाद ठीक हुए थे। उस वक्त अंगरक्षक कृष्णा यादव अपने बयान में भटवीघा निवासी मुनेश यादव का नाम लिए थे, लेकिन पुलिस आज तक उसे पकड़ने में विफल रही। सूत्रों की माने तो यह घटना आपसी खदान की जमीन के विवाद को लेकर अंजाम दिए जाने की बात सामने आ रही है। घटना की सूचना पर विधायक मनोज यादव, पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला, एसपी शिवानी तिवारी, डीआईजी भीमसेन टूटी समेत अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच में जुट गए। उन्होंने कहा, जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक कुछ भी नहीं बताया जा सकता। रांची से फॉरेंसिक टीम और डॉग स्कॉट की टीम बुलाई गई है। यह घटना पुलिस के लिए कड़ी चुनौती है। अब देखना यह है कि क्या पुलिस अपराधियों की गिरेबान तक पहुँच पाती है या खानापूर्ति तक ही सिमट कर रह जाएगी। अभी हम पीओ पे ही हैं। यहाँ पे एक स्पॉट डेथ है, 2 लोगों को रेफर किया गया है। अभी प्राइमा फेसाई कुछ भी कहना मुश्किल है। क्राइम सीन को प्रिजर्व किया गया है, फैसल की टीम को बुला लिया गया है। यहाँ पे एक ऑटो भी है जिसके पूरे परखच्चे उड़े हुए हैं और गाड़ी जो है वो देखने से प्राइमा फेसाई ऐसा लगता है एक साइड से उसमें ज़्यादा मतलब ब्लास्ट का इम्पैक्ट है। बाकी पूरी जाँच होगी तो पूरा पता लग पाएगा। भले भी जिला कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर घातक हमला हुआ था, उसने FIR दर्ज कराया, मामला पुलिस जानती है। उसके बाद फिर लिखित आवेदन दिया
कौन कौन लोग संदेह हो सकते हैं, कौन कौन लोग शामिल हैं, पुलिस को सब जानकारी है। अच्छा नहीं है लेकिन लापरवाही कारण आज फिर उसकी हत्या कर दी गई। सही है। हत्या में ऐसे कौन सा वहीं पर किनके ऊपर शंका किया जा रही है? वो खुद पूर्व में अपने लिखित बयान दिए थे, लिख के दिए थे और पुलिस को जानकारी है। चंदवारा थाना अंतर्गत ढाब नाम की जगह में आज एक घटना घटी है जिसमें कोडरमा जिले के कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष थे उनका नाम शंकर यादव था, उनकी गाड़ी पर एक हमला किया गया। ये इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस आई डी लगा करके जब ये रास्ते से लौट रहे थे अपने खदान से उस वक्त इनकी गाड़ी पर यह हमला हुआ है। तो गाड़ी में कुल मिलाकर 3 लोग हैं जिसमें शंकर यादव जी की मृत्यु तो घटनास्थल पर हुई और एक कृष्णा यादव थे उनके कंरक्षक के रूप में काम करते हैं, उनको जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो उनकी मौत हॉस्पिटल में हुई। तीसरे व्यक्ति जो ड्राइवर का काम करते थे उनका नाम संभवतः धर्मेंद्र यादव था, ये घायल अवस्था में कोरोना पहुँचाया गया और सबसे बड़ी को राज्य शिफ्ट किया गया है इलाज के लिए। लातेहार जिले के बरवाडी प्रखंड की इंटर की परीक्षा केंद्र प्रखंड मुख्यालय और अनुमंडलीय मुख्यालय से हटाकर महुआ टांड बनाए जाने का विरोध शुरू हो चुका है, जिसे लेकर आज अपना अधिकार अपना सम्मान मंच के द्वारा बरवाडी प्रखंड परिसर में एक बैठक आयोजित कर परीक्षा केंद्र महुआ टांड से बदलने को लेकर उग्र हल्ला बोल आंदोलन करने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत मशाल जुलूस करने के बाद 15 फरवरी को पुतला दहन और 16 फरवरी को प्रखंड मुख्यालय में एक दिवसीय धरना देने का निर्णय लिया गया। वहीं अगर एक सप्ताह के बाद भी अगर मांग पूरी नहीं होती तो भूख हड़ताल भी किया जाएगा। वहीं इस आंदोलन का कांग्रेस राजद आजसू माले समेत विभिन्न राजनीति और सामाजिक संगठनों ने समर्थन किया है। ये जो आंदोलन हो रहा है मतलब स्वागत योग है, निश्चित तौर से बरवाड़ी के हित में है और बरवाड़ी की जनता सरकार के जो अरबों रुपया जो खर्च हो रही है शिक्षा के प्रति और खास करके बरवाड़ी में जो बच्चे हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं या गरीब के बच्चे हैं, इस स्थिति में महुआ डांड कर दिया गया है जबकि अनुमंडल बरवाड़ी का लातेहार है। अगर सरकार का सोचना है कि अनुमंडल बेसिस से हो तो अनुमंडल लातेहार होना चाहिए और हम लोग का मांग पत्र है कि बरवाड़ी में शुरू से होते आ रहा है और बरवाड़ी में रहे, क्योंकि जो भी गरीब बच्चे को उनको आर्थिक रूप से इसमें सहयोग मिले, अपना अधिकार अपना मंच के द्वारा जो कार्यक्रम हो रहा है हम उनके साथ हैं और हमारा दल के सभी सदस्य आपके साथ हैं। बरवाड़ी प्रखंड के इंटर के छात्राओं के सेंटर गलत जगह महुआ बनाए जाने के विरोध में जब अपना अधिकार अपना सम्मान मंच की एक बैठक आयोजित की गई, इसमें सभी राजनीतिक पार्टी के साथ साथ सामाजिक संगठनों का सहयोग मिला और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बरवाड़ी का इंटर का केंद्र बदल के बरवाड़ी प्रखंड मुख्यालय में जब तक नहीं किया जाता है तब तक उग्र आंदोलन लगातार जारी रहेगा, जिसके तहत आज देर शाम प्रखंड मुख्यालय में मशाल जुलूस निकाला जाएगा। वहीं कल एक पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसके बाद 16 फरवरी को प्रखंड मुख्यालय में ही बड़े पैमाने पर धरने का कार्यक्रम है और उस दौरान एक मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन पत्र भी सौंपा जाएगा और एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया जाएगा कि बरवाड़ी का इंटर का सेंटर जो बनाया गया है उसे बदला जाए और अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो आगामी उसके एक हफ्ता के बाद हमारा मंच और हाँ यहाँ के तमाम प्रबुद्ध लोग और राजनीतिक पार्टी के लोग भूख हड़ताल करने का काम करेंगे। सेंटर इंटर का 2002 से बरवाडी में कायम किया गया, लगातार सफलतापूर्वक यहाँ के लोग उसको जो है सो ऑर्गेनाइज करने में सफल रहे। एक वैध इस तरह का नियम आया कि सरकार ने अनुमंडल स्तर पर सेंटर को अनुमंडलीय मुख्यालय में ले जाने का प्रयास किया या किया, लेकिन मेरा ये कहना है, विरोध है इस बात का कि अगर अनुमंडल स्तर पर सेंटर रखने की बात है तो हमारा अनुमंडल बरवाडी का लातेहार है, लेकिन माननीय विधायक पांकी और माननीय विधायक हुसैनाबाद हरिहरगंज और पांकी में क्रमशः उन्होंने अपना सेंटर वहां रखवा लिया, तो स्थानीय सांसद और विधायक से हमारा ये फिर भी एक व्यक्तिगत अनुरोध होगा कि वहां सेंटर बरवाडी में करावें, चाहे उसके लिए जो करना पड़े, नहीं तो जो आंदोलन आपके मंच से अपना अधिकार अपना सम्मान मंच के माध्यम से जो किया जा रहा है, हमारा दल हमारे लोग आपके साथ है। गुमला डुमरी जैरागी मार्ग कासी नदी के समीप सड़क हादसा हुआ जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 2 व्यक्ति अनुज तिर्की व पीटर तिर्की की स्थिति नाजुक बनी हुई है। ट्रैफिक एक्सीडेंट है, ये 3 लोग एक ही मोटरसाइकिल में सवार होके डुमरी से जैरागी जा रहे थे, रास्ते में एक टेम्पो से उन लोगों ने टकराया और वो लोग गिर पड़े तो 2 आदमी काफ़ी गंभीर रूप से घायल हैं। ये लोग का प्राथमिक उपचार डुमरी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हुआ है, वहाँ से रेफर होके आए हैं।
हम लोगों ने वहाँ पर सिलाई वगैरह नहीं हुआ था, स्टिचिंग कर दिए, फर्स्ट एड दे दिए, फिर सपोर्ट लगा दिए। दो आदमी का चूँकि काफ़ी गंभीर इंजुरी है, दोनों को कंपाउंड फ्रैक्चर है, उन लोग को फर्स्ट एड दे करके रिम्स हम लोग भेज दिए। और एक आदमी विजय लकड़ा था, उसका यहीं पर उपचार करके उनको डिस्चार्ज कर दिया। कोडरमा कांग्रेस जिलाध्यक्ष शंकर यादव की बम ब्लास्ट में हुई मृत्यु को लेकर पूरे झारखंड में कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी को लेकर हजारीबाग जिला कांग्रेस इकाई ने इस मामले में राज्य सरकार के ढुलमुल रवैये को लेकर मुख्यमंत्री रघुवर दास का स्थानीय झंडा चौक पर पुतला फूंका और इसके साथ ही रघुवर सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि घटना के 24 घंटे बाद भी अपराधी का कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जो राज्य सरकार की उदासीनता को दर्शाता है। साथ ही कांग्रेस ने राज्य सरकार से जल्द अपराधी को गिरफ्तार करने के साथ मुआवजे की भी मांग की है। कल शंकर यादव की जो हत्या हुई है, वो हत्यारे को गिरफ्तार करो, गिरफ्तारी के बाद उसके परिवार को 5 लाख का मुआवजा देना चाहिए, उसे जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसके हत्यारे को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, यही हम लोग का मांग है। इसीलिए हम लोग ये जुलूस निकाले हैं आज यहाँ पर कि उसके हत्यारे को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसे 5 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। कोडरमा जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष शंकर यादव की दिन दहाड़े हत्या किए जाने के विरोध में दुमका जिला कांग्रेस कमेटी ने 3 बाजार में मुख्यमंत्री रघुवर दास का पुतला फूंका और मुख्यमंत्री के विरोध में नारे लगाए। जिलाध्यक्ष श्यामल किशोर सिंह ने कहा कि रघुवर दास की सरकार में अपराध बढ़ गया है, अपराधी दिन दहाड़े लोगों की हत्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करती, तब तक पार्टी पूरे राज्य में सरकार के विरुद्ध आंदोलन करेगी। जिलाध्यक्ष की निशंस हत्या से पूरे राज्य के कांग्रेसी ही नहीं, आम जन आंदोलित हैं और हम लोग उनके हत्यारे की अविलंब गिरफ्तारी की मांग और इस राज्य में गिरती कानून व्यवस्था के कारण मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर हम लोग सड़क पर उतरे हैं। आज हम लोगों ने पुतला दहन किया है, कल हम लोगों का धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम राज्य के सभी जिलों में आयोजित होता है। बगोदर थाना क्षेत्र के गैड़ा संतूरपी के सड़क हादसा के दूसरी बरसी पर हादसे में मारे गए 12 मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। गैड़ा संतूरपी की जनता के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का बगोदर के संतूरपी में आयोजन किया गया, जिसमें बगोदर विधायक नागेंद्र महतो सभा में मुख्य रूप से उपस्थित थे। श्रद्धांजलि सभा की शुरुआत मृतकों के प्रतिमा व फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। विधायक समेत अन्य गणमान्य लोगों ने पुष्प अर्पित कर उन सबों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित किए। मुख्य अतिथि विधायक महतो ने कहा कि बगोदर इलाके के लिए आज का दिन काला दिन है। उन्होंने कहा कि बगोदर में एक ट्रामा सेंटर खुलवाने के लिए वो प्रयासरत हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों के बीच सहयोग राशि का भी वितरण किया। दूसरी ओर बगोदर नागरिक संघर्ष मोर्चा के द्वारा स्कूली बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री का भी वितरण किया गया। बता दें कि 14 फरवरी 2016 को सरस्वती प्रतिमा विसर्जन को लेकर निकाली गई शोभा यात्रा को एक अनियंत्रित कंटेनर ने रौंद दिया था। इस दर्दनाक हादसे में शोभा यात्रा में शामिल 12 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 5 बच्चे भी शामिल थे। परिवार के तमाम सदस्यों को हम लोग ने मनाया कि भाई उसकी आत्मा को शांति मिले और जो लोग उनके परिवार के लोग हैं उनको इस घड़ी में, दुख के घड़ी में लड़ने की शक्ति दे भगवान, ये विनती हम लोग ने किया है। और जहाँ तक इसके परिवार का भरण पोषण का सवाल है, जहाँ तक मदद करने की बात है, वो मदद करने के लिए मैंने सभी परिवार को जो मैंने घोषणा किया था पहले कि 20,000 रुपया दूंगा, तो मैं अपने तरफ से 20,000 रुपया, मैं भी 10,000 रुपया पहले पिछले साल 5 बरस 5 अदा करके दिया और इस वर्ष 5,000 और मैं दिया और शेष राशि जो 10,000 बचा नेक्स्ट 2 ईयर देकर के उसको फाइनल करूँगा। धन्यवाद। और मैं इस घटना के बाद मैं स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार के पास गया था और मैंने लिखित दिया है कि बगोदर में आए दिन घटना घटती रहती है, इसलिए ट्रॉमा सेंटर की जो स्थापना हो तो बगोदर में हो और इसके लिए मैंने मांग पत्र दे करके आया हूँ और फिर पुनः मैं जा करके बैठ करके करवाऊंगा। बिहार की गया में मृतक तन्नू उर्फ तनिषा के परिजनों से बेलागंज क्षेत्र के राजद विधायक सुरेंद्र प्रसाद यादव मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि मृतक तन्नू और सूरज अंकित के तीनों परिवारों को नौकरी और मुआवजे के लिए सरकार से मांग किए हैं और वहां अपहरणकर्ता के चंगुल से बचा सूरज से मुलाकात किए और उसके बहादुरी और साहस के लिए राष्ट्रपति से अवार्ड की मांग की।
उन्होंने ये भी कहा कि यदि ये बच्चा अपना साहस और हिम्मत से काम नहीं लेता तो शायद जो अंकित कुमार अभी पीएमसीएच में भर्ती है और तनु की लाश भी नहीं मिल पाती, इसलिए वो यहाँ के जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि सूरज कुमार का नाम अनुशंसा कर भारत सरकार को भेजे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यहाँ के प्रशासन जो आंदोलनकारियों पर FIR किए हैं वो सरासर नाइंसाफी है, क्योंकि आंदोलनकारी अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री से मिलाने की मांग को लेकर सड़क जाम कर आंदोलन कर रहे थे। देखिए, जितना इसको भर्सना किया जाए वो कम होगा, और अभी तक जो प्रशासन ये जो घटना घटा उसको अभी तक किसी तरह के कोई लाभ नहीं मिला, तो उससे बड़े बड़ा दुखनीय है। और सूरज कुमार जो बच्चा अपना बयान कर रहा है तो इसको तो राष्ट्रपति अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि अगर यह साहस अपना नहीं दिखलाता तो हम नहीं समझते हैं कि इसे न बच्ची का लाश मिलता और ना जो दूसरा बच्चा मार गए घायल जो पीएमसीएच में भर्ती है उसकी जानकारी मिलता। तो ये तो बेचारा साहसी है, इसलिए इसको राष्ट्रपति अवार्ड मिलना चाहिए। बिहार में गया जिले के कोंच थाना क्षेत्र के श्रीगांव गांव में खुफिया विभाग एवं CRPF के संयुक्त छापेमारी में लगभग 4000 कारतूस बरामद किया गया। सभी कारतूस गांव के विद्यानंद यादव के बगीचे में गड़ाकर शीशे के बर्तन में रखा गया था। ग्रामीणों का कहना है कि टीम ने गांव के जितेंद्र महतो एवं उसके पुत्र राकेश कुमार को पुलिस ने शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस मामले में पुलिस कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि बरामद कारतूस का इस्तेमाल लेवी वसूलने एवं पुलिस मुठभेड़ के लिए नक्सलियों द्वारा रखा गया था। नक्सलियों के डंप से 4000 राउंड .22 की गोली बरामद हुई है। हम लोग को जो इनपुट है उसके हिसाब से ये या तो थाना लूटने में या किसी तरह पुलिस के साथ कोई गलत करने के लिए ये प्रयुक्त होने वाला था। समय रहते हम लोगों ने इसको बाहर निकाला है, और इसके साथ साथ और भी इन्फॉर्मेशन है। हमको लगता है कि नक्सलियों की एक बहुत बड़ी खेप हम लोग बहुत जल्दी पकड़ने वाले हैं। इसके साथ अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, हम लोग इंट्रोगेशन कर रहे हैं। अगर उनके विरुद्ध विधुसम्मत साक्ष्य मिले तो हमें उनकी गिरफ्तारी करके जेल भेज। पूर्णतः ये नक्सलियों के सप्लाई के लिए था, और गोली का जो रैपर है वो USA का लगा हुआ है, तो हमें लगता है कि कहीं से ये खेप आई थी, इसको डंप किया गया था। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें INN24 पर। नमस्कार।